हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनपूर्णा आवर्स क्लासेस। मैं अंजलि आज आपके लिए लाई हूँ परसेंटेज की टॉपिक, जिसमें आज हमारा यह दूसरा दिन है। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स पढ़ा था, इस वीडियो में थोड़ी हमारी लेवल हाई होने वाली है। तो देखते हैं हम क्या क्या क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाई हूँ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है और वो दिख रहा है हल करें। यहाँ में जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, इसे हमें हल करना है। तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं रूट में वर्ड दिया हुआ है, तो वर्ड की जगह हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक्स ले लेना है। उसके बाद ये जो प्रतिशत दिख रहा है ना, इस प्रतिशत को हम बट्टा में लेते आते हैं और ये हो जाता है 100। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इसकी बेसिक्स के बारे में कि प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। तो ये हो जाता है बट्टा में 100 इक्वल टू 272 का मतलब होता है गुणा, और ये हो जाता है 5/8। इसे कटा देते हैं, 0 से 0 कट जाता है, 2 से कटता है 5 बार में, और ये 2 से कटेगा 14 बार में, और 5 से कटेगा ये 11 बार में। 8 से 272 कट जाता है, तो 8 से ले जाएंगे 3 बार में 24, तो यहाँ हो जाता है 3। तो 3 में 3 के साथ 2 लगा हुआ 32, तो 8 से कटेगा ये 4 बार में। अब देखते हैं क्या क्या बचता है, और जो बचता है उसे हम गुणा कर देंगे। तो 14 में 11 से गुणा करना है, 11 से गुणा बहुत आसान होता है। 4 का लिख दिया हमने 4, 4 में 1 जोड़ देते हैं 5, और ये एक जैसा है वैसे का वैसे ही रह जाता है। अब हमें गुणा करना है 34 में 5 से, तो 5 चौका 20 का 0, 5 में 3 से गुणा किया 15, और 2 हो जाता है 17। रूट एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है 170। रूट एक्स के साथ 154 दिख रहा है, प्लस में है, आरएचएस में आएगा तो माइनस में हो जाता है, ये हो जाता है -154। तो 170 से 154 घटाएंगे तो ये हो जाता है 16। रूट एक्स का मान आया 16, हमने तो केवल रूट के अंदर वाली जो वैल्यू थी ना उसी की मान निकालनी थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू लिखेंगे 16। अब ये रूट कहाँ गया, तो रूट जो LHS में था ना, जब वो RHS में आएगा ना तो वो स्क्वायर हो जाता है। 16 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है 256, जो कि हमारा आंसर हो जाता है। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यह क्या कह रहा है, 3% इज व्हाट परसेंट ऑफ 5%। 3% जो है ना वो 5% का कितना प्रतिशत है। तो हम मान लेंगे ये जो 3% है ना, ये 5 का x प्रतिशत है, हम इसी पर मान करके इसे हल कर देते हैं। हम ये मानते हैं कि 5% का x प्रतिशत जो है ना वो क्या है, 3% है। बस अब इसी पर हमें हल कर देना है। प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, तो जहां जहां हमें प्रतिशत दिख रहा है उसको हटा करके हम क्या करेंगे, बट्टा में 100 लिख देंगे, और का मतलब होता है गुणा, एक्स ऐसे का ऐसे ही रह गया, प्रतिशत मतलब हो गया बट्टा में 100 इक्वल टू 3, और फिर यहाँ प्रतिशत हो गया बट्टा में 100। हमें एक्स का मान निकालना है, एक्स को अकेला छोड़ते हैं, बाकी जो भी इसके साथ दिख रहा है सबको हम आरएचएस में लेके जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे 200 दिख रहा है एलएचएस में, तो भाग में है, आरएचएस में आएगा तो वो गुणा में हो जाएगा, 100 × 100। एलएचएस में एक्स के साथ हमें 5 दिख रहा है, तो 5 गुणा में है, आरएचएस में आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। 100 से 100 कट जाता है, 5 से कटता है ये 20 बार में, और जब हम 20 में 3 से गुणा कर देंगे तो 60 हो जाता है। मतलब कि 3% जो है ना वो 5% का 60% है। आगे बढ़ते हैं, हम अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, देखते हैं क्या लाया है मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करना है हमें। सेम प्रोसेस, एक्स दिखा, एक्स को हमने छोड़ दिया, 40 को 40 रहने दिया, प्रतिशत मतलब हो गया बट्टा में 100, गुणा 40 को 40 रहने दिया, प्रतिशत को लिख दिया हमने बट्टा में 100 इक्वल टू 40। अब हमें इसे समीकरण के नियम से हल कर देना है, तो हम काम वही करेंगे, एक्स को अकेला छोड़ेंगे, जो भी एलएचएस में दिख रहा है उसे हम आरएचएस में ले जाएंगे, और जब हम आरएचएस में लेके जाएंगे तो यहाँ देखते हैं 200 भाग में है तो उधर जाता है, तो 200 गुणा में हो जाता है। एलएचएस में 240 गुणा में है तो आरएचएस में आएगा, तो 240 भाग में आ जाता है, और हमें इसे सॉल्व कर देना। सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे 40 से 40 कट जाता है, 20 से कटता है 2 बार में, और 20 से कटता है 100 5 बार में, 2 से 100 कटता है 50 बार में, और जब हम 50 में 5 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 250, जो कि हमारा आंसर हो जाता है। एक्स का मान हमें निकालना था और हमने एक्स का मान निकाल दिया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का मान निकालना, इफ कोई हमें शर्त दिया हुआ है,
क्या शर्त दिया हुआ है? तो यहाँ दिया हुआ है कि x का 90% जो है y के 30% के बराबर है और y जो है ना x into p% के बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमारे पहला कंडीशन दिया हुआ ना, इसमें हम इस वाली वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो पहले इस कंडीशन को हम लिख लेते हैं। तो पहला कंडीशन है हमारे पास x into 90% इक्वल टू y into 30%, ये तो हमने लिख दिया। अब यहाँ क्या करते हैं, x को x रहने दिया, 90 को 90 रहने दिया और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, तो यहाँ हमने लिख दिया बट्टा में 100। y, अब इस y की जगह हम ये वाली वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो y की जगह हम लिखेंगे एक्स पी और प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100 इंटू 30 और फिर यहाँ प्रतिशत दिखा तो इसका मतलब हो गया बट्टा में 100। हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ देखेंगे एक x हमें यहाँ भी दिख रहा है और एक x यहाँ भी दिख रहा है, तो x से x कैंसिल हो जाता है तो x का मान नहीं आएगा। मान हमें p का निकालना था, तो अब हम p का मान निकालेंगे। तो p का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, p को अकेला छोड़ देंगे। तो p को हमने रख दिया RHS में। अब p के साथ जो भी RHS में दिख रहा है उन सबको उठा के हम क्या करेंगे, LHS में लाएंगे। तो इस p के साथ, ये जो p दिख रहा है ना, इस p के साथ 200 भाग में दिख रहा है, तो यहाँ 200 हम ला देंगे गुणा में। 200 कहने का मतलब वो 200 नहीं, 100 दो बार है। जिस मैंने इसे बोला ना, तो मुझे भी अंदर फीलिंग यही आई कि 200 मतलब 200, 200 नहीं, ये 100 दो बार है। यहाँ देखेंगे 30 गुणा में है, तो 30 इधर आता है तो भाग में हो जाता है। इधर कहने का मतलब हुआ LHS में आता है 30। तो यहाँ RHS में हमारे पास बच जाता है केवल P, क्योंकि P का मान निकालना है, तो P को हमने अकेला छोड़ दिया। इस 100 से 100 कट जाता है और इस 30 से 90 कट जाता है तीन बार में, तो P का मान निकल आता है 100 में 3 से गुणा किया 300। इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, LHS RHS का नियम वो पता होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड 40% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का हमें क्या करना है, 40% निकालना है। फाइंड 40% ऑफ अ नंबर, किसी संख्या का 40% निकाले हुज 10% इज 200, जिसका 10% जो है ना वो 200 है। तो उस नंबर का 10% 200 है, तो इस चीज से हम क्या करेंगे ना, x का मान निकाल लेते हैं, उस संख्या को मालूम कर लेते हैं। तो संख्या को हम मान लेते हैं x, तो x का 10% जो है ना वो 200 है, तो इसे क्या कर लेंगे, x गुणा 10, प्रतिशत को लिख दिया हमने बट्टा में 100, इक्वल टू कर दिया 200। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाता है, तो x इक्वल टू हो जाता है 200 और ये 10 भाग में था, तो RHS में जाएगा तो ये हो जाता है गुणा में। 200 में 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाता है 2000। 2000 ये संख्या थी, हमें संख्या नहीं मालूम करना, हमें संख्या का 40% मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2000 का 40% निकाल देते हैं। तो 2000 का 40% कितना हो जाता है, 40 को हमने 40 लिख दिया और प्रतिशत का मतलब हो जाता है बट्टा में 100, तो हमने लिख दिया बट्टा में 100। दो जीरो से दो जीरो कट जाता है, चार में दो से गुणा किया 8 और इसके साथ जो दो जीरो लग जाता है तो ये हो जाता है 800। मतलब उस संख्या का 40% जो है ना वो 800 है और वो संख्या खुद 2000 थी। तो ये था आज का हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी लेवल हाई करके मिलते हैं। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दे। थैंक यू।